देखिए विजय जी, एक चीज तो जरूर इमर्ज किया है कि राहुल जी एक मस्कुलर मैन की तरह इमर्ज किए हैं, जी रैम्बो की तरह, हठ योगी की तरह, जी चाहे वो ठंड हो चाहे गर्मी हो, एक सिंगल टी शर्ट पर गए हैं, तो ये दिखाता है उनका हठ योग। दूसरी तरफ भाई बहन का प्रेम दिखाता है। कोई अगर किसी को लग रहा होगा कि प्रियंका वाड्रा कल को इनको चैलेंज करेगी या कोई पोल इमर्ज करेगी तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये भी दे दिया। राहुल गांधी एक छत्र राज्य वो कांग्रेस में स्टैब्लिश कर चुके हैं, जिन्हें भी लगता होगा कि राहुल गांधी के अथॉरिटी को चैलेंज करेंगे तो वो अब नहीं होने वाला। अच्छा है मामला बहुत साफ हो, लोगों को दृष्टि एकदम साफ हो कौन प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनने वाला है। हम तो ये चाहते थे कि दो कोलिशन हो और लोग अपना अपना फैसला करें, ये तो भारत की राजनीति के लिए बहुत अच्छा चीज़ है, हम इसको वेलकम करेंगे। जी लेकिन ये यात्रा को कहीं से भी हम नहीं देखते कि राहुल गांधी कोई बहुत मेच्योर लीडर के रूप में इमर्ज किए हों, क्योंकि मेच्योर लीडर देखिए कोई भी यात्रा होता है, अगर आप ये विजन दिखाते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, भारत को कैसा होना चाहिए, तो हम समझते हैं एक पॉजिटिव नोट है। अगर आप ये दिखाते हैं कि सिर्फ नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आरएसएस बीजेपी नरेंद्र मोदी ये तीन शब्द छोड़ के तो मुझे यात्रा में कुछ दिखाई नहीं, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात बोलना, एक ही लफ्ज का इस्तेमाल करना, हेट फैलाना, जो सत्ताधारी पार्टी है और सत्ता में लोग हैं उनके खिलाफ हेट फैलाना, कोई कंस्ट्रक्टिव डिबेट तो हुआ नहीं, जी किसी पॉइंट पर आपने डिबेट तो किया नहीं। इस यात्रा में डिबेट कर सकते थे, अगर आप हमारे यात्राओं की बात करें चाहे वो राम रथ यात्रा हो, स्वराज से सुराज यात्रा हो या कोई भी यात्रा हो, उसमें एक डिबेट हुआ कि राम राज्य की कल्पना क्या होनी चाहिए, कोई राम से मतलब नहीं था, जी भगवान राम की हम बात नहीं कर रहे, राम राज्य की बात कर रहे थे, स्वराज हो गया था सुराज की ठीक बात है कर रहे थे यात्रा में। जब कश्मीर की यात्रा जोशी जी ने की थी जिसके सारथी थे नरेंद्र मोदी जी, उसमें आपको याद है उस समय क्या हुआ था, कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था जी और एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि टेररिस्ट कैसे ये तो, और खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी जाके झंडा फहराए, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, इसके लिए कांग्रेस क्रेडिट ले, हम भी क्रेडिट देंगे, जी लेकिन क्रेडिट किसको जाता है भारत की पूरी जनता जानती है, जी और हमारे जवान जो अपना सब कुछ निछावर करते हैं उनको क्रेडिट देना चाहिए, भारत की जनता को। यात्रा अच्छे से हुआ, अच्छी बात है, और आगे ये अच्छा प्रोजेक्ट हो हम तो ठीक है। चाहेंगे।